नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने सीमा पार ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया, जिस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ 6 किलो चरस और 1.5 किलो अफीम बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने सीमा पार ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया है। ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ की स्पेशल टीम द्वारा सीमा पार ड्रग तस्करी का पर्दाफाश करते हुए दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 6 किलो चरस और 1.5 किलो अफीम भी बरामद की गई है, जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। ईस्ट डीसीपी अपूर्वा गुप्ता के अनुसार 27 अप्रैल को पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ के कार्यालय को एक ड्रग तस्कर के बारे में सूचना मिली। मामले की गंभीरता को भांपते हुए इंस्पेक्टर अजीत सिंह के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर नवदीप यादव, सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नीरज अमरपाल, सतदेव राणा, हेड कांस्टेबल मुकेश, पवन, सोनू, सनी राठी, युवेंद्र, विचित्र, नरेश पाल, रोहित और महिला कांस्टेबल सरिता शामिल थे। जानकारी के आधार पर जाल बिछाया गया, जहां अभियुक्त अमित ठाकुर और साथ में उसका सहयोगी रवि मान शाह दोनों 20 मिनट से अपने एक सहयोगी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी का एहसास होते ही आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें तुरंत दबोच लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत तलाशी लेने पर बैग से 6 किलोग्राम बढ़िया चरस और 1.5 किलोग्राम बढ़िया अफीम बरामद हुई। इस मामले में थाना प्रीत विहार में एनडीपीएस एक्ट की संलग्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है। 27 अप्रैल 2024 को एक सीक्रेट टिप ऑफ के बेसिस पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़े चरस और अफीम सप्लायर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सीक्रेट टिप ऑफ के बेसिस पे इन दो लोगों को पकड़ा गया था और इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से 6 किलो हाई क्वालिटी चरस और 1.5 किलो अफीम बरामद हुई थी। पीछे से ये दोनों लोग रक्सौल बिहार के रहने वाले हैं। इसमें जो मेन सप्लायर है उसका नाम अमित ठाकुर है। ये नेपाल में एक कपड़े की दुकान लगाता है। इसके फादर पहले भी कई बार एनडीपीएस के केसेस में बंद हो चुके हैं और हमें सस्पिशन है कि इसने अपने फादर से ही ये काम सीखा है। यहाँ पे ये अपने एक साथी रविमान शाह के साथ आया था। उसको हमें शक है कि वो एज अ करियर कम स्पॉटर के तौर पे यूज़ करता था। जब ये माल सप्लाई करता है तो उसको कुछ दूरी पे खड़ा करके उस पर नज़र रखने के लिए यूज़ करता था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।